आज हम 10वीं कक्षा का संस्कृत विषय का 7वां पाठ पढ़ रहे हैं, लोकहितम मम करणीयम। लोकहितम मम करणीयम का मतलब है लोकहित मतलब संसार का, लोगों का हित, मम मतलब मेरे द्वारा, करणीय मतलब करना चाहिए। देखिए श्लोक हैं, पहला, मनसा सततम स्मरणीयम, वचचा सततम वंदनीयम, लोकहितम मम करणीयम। मनसा मतलब मन में, मन से, हृदय से, सततम मतलब लगातार स्मरण करना चाहिए, मन से हृदय से लगातार स्मरण करना चाहिए, याद करना चाहिए। वचसा वचनों से, वाणी से, सततम मतलब लगातार, वदनीय मतलब बोलना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, लोगों का हित मेरे द्वारा किया जाना चाहिए, कि मानव को सदैव लगातार मन से याद करना चाहिए, वचनों से बोलना चाहिए कि जन कल्याण, लोगों का कल्याण मेरे करने योग्य है या मेरा ये कर्तव्य है। हिंदोल राग में ये पाठ लिखा गया है, तो इसमें लोकहितम मम करणीयम कि लोगों का हित, संसार का कल्याण, लोगों का कल्याण मेरे द्वारा किया जाना चाहिए। अगली लाइनें देखो, न भोग भवने रमणीयम, न मतलब नहीं, भोग भवने का अर्थ होगा भोग विलास या भौतिक सुख सुविधाओं से युक्त भवन में, रमणीयम मतलब रमण करना चाहिए, रहना चाहिए, मुझे भोगों से युक्त, सुख सुविधाओं से युक्त महलों में रमण नहीं करना चाहिए, रहना नहीं चाहिए। न चे सुख सहने सहनीयम, सुख सहने का अर्थ होगा सुखद शैया पर, बिस्तर पर मुझे नहीं, ना मतलब नहीं, शयनीय मतलब सोना चाहिए। अहर निशम का अर्थ होगा, अहर मतलब रात दिन, निशम मतलब रात, अहन मतलब दिन, निशम मतलब रात्रि, दिन रात, जागरणीय मतलब जागरूक रहना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, क्योंकि मुझे जन कल्याण मेरे द्वारा किया जाना चाहिए, ये मेरा कर्तव्य है। अगली लाइन में देखो, न जातु दुखम गणनीयम, दुख को हमें, जातु मतलब यह होगा कभी भी, कि कभी भी हमें दुख को नहीं गिनना चाहिए। न च निज सौख्यम मननीयम, और न ही अपने सुख, निज सौख्यम का अर्थ होगा अपने सुख का, मननीयम का अर्थ होगा मनन करना, ध्यान करना चाहिए कि इसमें मेरा सुख है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कार्य क्षेत्र तवरणीयम, अपने कार्य क्षेत्र में शीघ्रता, तवरणीयम का अर्थ होगा शीघ्रता करनी चाहिए, क्योंकि लोकहितम मम करणीयम, जन मानव कल्याण मेरे द्वारा करना चाहिए, ये मेरा कर्तव्य है और यही मुझे करना चाहिए, कि मुझे कभी भी दुख को नहीं गिनना चाहिए, कि आज मुझ में दुख है या ऐसा कुछ गणना नहीं करनी चाहिए, अपना सुख का ध्यान नहीं करना चाहिए, और जो कार्य क्षेत्र हैं उसमें शीघ्रता करनी चाहिए। दुख सागरे तरणीयम, दुख रूपी सागर में मुझे तैरना चाहिए, अर्थात दुखों के सागर को पार कर लेना चाहिए। कष्ट पर्वते, कष्टों के पर्वत पर चरणीय मतलब विचरण करना चाहिए। विपत्ति विपन्ने भ्रमणीयम, विपत्तियों के, विपिने का अर्थ होगा जंगल, विपत्तियों के जंगल में भ्रमणीयम मतलब घूमना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, लोगों का कल्याण मुझे करना चाहिए, दुख रूपी सागर में मुझे तैरना चाहिए, उनको पार कर लेना चाहिए, कष्ट रूपी पर्वतों पर विचरण करना चाहिए, चढ़ना चाहिए, विपत्ति रूपी जंगलों में भ्रमण करना चाहिए, लोकहित मेरे द्वारा किया जाना चाहिए। गहना अरण्य घना अंधकारे, बंधु जना ये स्थिता गहने गहवने, तत्र मया संचरणीयम, लोकहितम मम करणीयम, कि गहरे अंधेरे में, घना अंधकारे का अर्थ होगा कि गहरे घने अंधेरे में, घना आरण्य का अर्थ होगा, आरण्य मतलब जंगल, वन, सघन अत्यधिक वनों से ढके हुए वन में, यह बंधु जना, यह का अर्थ होगा जो, बंधु जना मतलब मेरे भाई बंधु, स्थिता घवरे कि गड्ढे में पड़े हुए हैं, अर्थात गिरे हुए हैं, घने अंधेरे में, सघन वन में जो मेरे भाई बंधु गड्ढे में घिरे हुए हैं, पड़े हुए, तत्र मया संचरणीयम, वहाँ मुझे संचार करना चाहिए, वहाँ मुझे
उनको वहाँ से निकालने की कोशिश करनी चाहिए, वहाँ मुझे विचरण करना चाहिए। लोक हितम मम करणीयम, मुझे लोक का, लोगों का जन कल्याण करना चाहिए, लोगों का हित करना चाहिए। यह गीत डॉक्टर श्रीधर भास्कर मणिकर द्वारा रचित हैं और इस गीत में कवि ने मनुष्यों को साहस और करुणा की ओर, कवि मनुष्यों को प्रेरित करना चाहता है कि आप साहस पूर्वक करुणा पूर्वक लोगों का हित करते रहिए और विपत्तियों से कभी ना घबराएं। जितने भी अवरोध आने वाले हैं, अपने कार्य से ना विचलित हो, ना आपदाओं से डरो।